अभी भी अपना ब्लड टेस्ट करवाओ कभी भी। देखो मुझे डर लगता है इंजेक्शन से और गूगल दी को डर लगता है ब्लड टेस्ट करवाने से, मतलब कोई उनका ब्लड निकाले इंजेक्शन से तुमको डर लगता है। तो आज गूगल दी को जाना है हॉस्पिटल और मैं भी साथ में जाऊंगा, उनको करवाना है ब्लड टेस्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 20 मार्च और मेरे 50 डेज ब्लॉग चैलेंज का डे 48, जस्ट 2 डेज टू गो, 50 डेज ब्लॉग चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि 50 डेज ब्लॉग चैलेंज कम्प्लीट होने के बाद आगे और क्या करूं। तो थोड़ा लेट हो चुका है, लगभग 10:30 बज चुके हैं, तो जल्दी से नहाता धोता हूँ, पूजा करता हूँ एंड तुरंत निकलेंगे गूगल दी को लेके ब्लड टेस्ट कराने के वास्ते। पूरा ब्लॉग देखें और ब्लॉग देखते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड जैसा कि मैंने बताया कमेंट सेक्शन में बताएं कि 50 डेज ब्लॉग चैलेंज के बाद आगे और क्या करूं। नहाने धोने का प्लान पोस्टपोन क्योंकि अभी हमें हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल से वापस आने के बाद नहा लेंगे। मैं वैसे अभी नहाने जा रहा था लेकिन गूगल दी ने मेरे दिमाग में बात डाल दी कि अपन हॉस्पिटल जाएंगे फिर वहां से आके नहा लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो बोला ठीक है ओके चलो। तो गूगल दीदी रेडी हो चुकी है ब्लड टेस्ट देने के लिए, हाउ इज द फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको ब्लड टेस्ट देने से पहले, जनता जानना चाहती है, हैं? नहीं बताना चाहते, टेंशन हो रहा है। तो रोजी आंटी ने मेरे को कटोरी भर के दही खिलाई है ताकि गूगल दीदी का ब्लड टेस्ट अच्छे से हो और रिपोर्ट पॉजिटिव आए। एचआईवी का भी टेस्ट होने जा रहा है। नहीं उसका नेगेटिव चाहिए। तो पानी की बोतल भी हमने पकड़ ली है, अगर गूगल दीदी 1.5 लीटर खून देने के बाद बेहोश हो गई तो उनको पानी तो पिलाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल हम लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में गूगल दीदी का ब्लड टेस्ट होगा, उनका रिएक्शन देखने लायक रहेगा क्योंकि उनको बहुत डर लगता है ब्लड टेस्ट से। जिस घड़ी का था इंतजार वो आ गई है आज, गूगल दीदी का ब्लड टेस्ट। कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे होते। तो ब्लड सैंपल देने से पहले गूगल दीदी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और नर्स ने मुझे बोला कि इनको जोर से पकड़िए और अपना ये फोन बंद करिए। गूगल दीदी डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच रही थी, नर्स ने मुझे बोला कि इनका हाथ जोर से पकड़िए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ बांधने के लिए दिया नहीं था। तो गूगल दीदी मेरा हाथ इतना जोर से पकड़ लिया कि उनका खुद का हाथ ढीला हो गया था। नर्स बहुत ट्राई कर रही थी लेकिन बहुत ले दे के ब्लड निकला। गूगल दीदी ऐसे तो हर चीज में बहुत आगे रहती है, बहुत स्ट्रांग बनती है, लेकिन ब्लड सैंपल देते टाइम गूगल दीदी के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। गूगल दीदी ऐसा फेस बना रही थी जैसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन सैंपल लेने के बाद गूगल दीदी ने नर्स को बोला कि आपने तो बड़े आराम से कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। गाइस गूगल दीदी का ब्लड मेरे हाथ में है और गूगल दीदी अपना हाथ पकड़ के खड़ी है। गूगल दीदी का इतना सारा ब्लड निकला है, 4-5 दिन तक खाना पड़ेगा चुस चुस के। चलो आज मोमोज और मंचूरियन खा लेंगे, खून आएगा थोड़ा सॉस खा खा के। लोग रोडीज में क्या टास्क देते हैं, यहाँ पे आओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल फिटनेस जल्दी से करवा के दिखाओ तो मान जाऊँ। हॉस्पिटल में आके फिट आदमी भी बीमार हो जाता है। मैं पिछले आधे एक घंटे से हम लोग अंदर थे, अभी बाहर आके ऐसा लग रहा है कि नया जीवन दान मिला है। जी लो बेटा जी लो। तो अभी हम लोग आए घर वापस क्योंकि हमें लेनी थी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज अक्कू बना की, क्योंकि अक्कू का भी फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए फोटो लगेगी। सो फोटो लेके जाएंगे वापस, फिर से काम करवाएंगे, फिर घर आएंगे और नहाएंगे धोएंगे और खाएंगे पियेंगे। वैसे ही ऑलरेडी 1.5 बज चुके हैं, काफी टाइम लगा वहाँ पे और अभी और टाइम लगना बाकी है। तो देखो हुआ यूं कि हम लोग गए थे, आधा काम हुआ, वापस आए, अक्कू की फोटो लेके गए वहाँ पे, गए फिर आधा काम हुआ, फिर अभी आए वापस गूगल दी फोटो लेने। अब वहाँ जाके पूरा काम हो जाएगा, आज ही खत्म, कल दोबारा जाने की टेंशन खत्म। तो फोटो लेके मैं फिर से आके हॉस्पिटल वापस, गूगल दीदी यहीं पे जल्दी। फाइनली सारे काम हो गए, तो अपना काम 99% हो गया लेकिन अभी भी 1% काम बाकी है जो कि कल ही होगा, तो कल फिर से आना ही पड़ेगा। तो सुबह से गूगल दीदी बिना खाए पिए ऐसी घूम रही है, मैं भले पराठे खा के आया था, तो अब हमारा मूड बना है, सारे काम हो गए, कल जो आना है वो कल होगा। अभी जाते हैं छोले भटूरे खाएंगे, छोले भटूरे क्योंकि कल और परसों मेरा फास्ट था। भोले छटूरे कहते हैं, भोले छटूरे। तो छोले भटूरे खाने के लिए मैं और गूगल दी आए हैं आगरा चाट भंडार। तो आगरा चाट भंडार इतना ज्यादा फेमस है कि यहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं, हम लोग खड़े हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे उसके बाद बैठेंगे। तो फाइनली लगभग 5 मिनट वेट करने के बाद हमें सीट मिल गई। तो ऑर्डर करने का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप यहाँ पे पेमेंट करो, आपको पर्ची नहीं मिलेगी, यहाँ का छोटू आपका फेस देखेगा और सीधा आपके टेबल पे लाके खाना देगा। तो अपना पनीर चिल्ला आ गया है, पनीर चिल्ला बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, अभी खा के इसका टेस्ट बताऊंगा कैसा रहा। एंड छोले भटूरे तो कुछ ज्यादा ही बेहतरीन दिख रहे हैं, यहाँ की भीड़ देख के मेरे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं और काफी टाइम से खिला रहे हैं, लगभग 3 से 4 जनरेशन होगी इनके जो ये छोले भटूरे खिला रहे हैं। तो बढ़िया गरम गरम खुले हुए भटूरे थे और ये छोले मसाले वाले काफी तीखे और स्पाइसी है, लेकिन चटपटे भी और बढ़िया लग रहे हैं। चीला हमने आधा निपटा दिया है क्योंकि चीला बहुत अच्छा लगा मेरे को, छोला भटूरा भी अच्छा है। आगरा चाट भंडार में छोले भटूरे खा के बहुत मजा आया और अभी अपन जा रहे हैं वापस घर। हॉस्पिटल के सारे काम हो गए, पेट पूजा हो गई और अब थोड़ा सा आराम करेंगे घर पे और फिर उसके बाद नहाना धोना करेंगे। सुबह का ही प्रोग्राम था नहाने का, लेकिन अभी तक नहाना बहुत डिले हो गया क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम मस्त बदरी बदरी और लगता है पानी गिरेगा बढ़िया। तो मैं और गूगल दीदी तो बाहर से ठूस के आ गए और फिर आने के बाद थोड़ा थोड़ा मासी का डांट भी खाएं कि ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग कई दिन से बाहर ठूस ठूस के आ जाते हैं और घर आके खाना नहीं खाते। तो खाने में आज बना है मस्त बैंगन की सब्जी, आलू का भुजिया, दाल रोटी एंड चावल। तो अभी मासी बाची और रोजी आंटी लंच करेंगे, हम लोग बाहर खा के आ गए, बाची हम लोग को गुस्सा रही है कि हम मेरे को लेके नहीं गए।
तो नहाने धोने के बाद मैं बैठूंगा ब्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि मिनी ब्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ है और फुल ब्लॉग तो छुआ भी नहीं हूँ। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और अपन 900 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं, 1000 पहुंचने वाले हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तो सुबह 10 बजे से नहाने धोने का प्लान बनाते बनाते शाम के 4 बज गए हैं, और अब जाके फाइनली नहा धो लिया हूँ, अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं ब्लॉग एडिट करते हैं, क्योंकि 6 बजे ब्लॉग भी अपलोड करना है, 4 बज चुके हैं और लगेगा इसको एडिट करने में टाइम। तो मिनी ब्लॉग एडिट हो चुका और शेड्यूल भी हो गया, चैनल पे आ गया है, जाके जरूर देखें। और अभी बच चुके हैं लगभग 7, बड़ा ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है, लेकिन अभी गोगल दीदी बना रही है मिक्स वेज की सब्जी, तो अभी देखते हैं गोगल दीदी कैसी सब्जी बनाती है। तो गोगल दीदी ने और रोजी आंटी ने तैयारी चालू कर दी है, वैसे पूरा क्रेडिट गोगल दीदी को वैसे भी नहीं जाता, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो रोजी आंटी करेंगी। कौन सी टर्म बताई थी वो जो सब्जी काटते हैं कॉमी 3 शेफ बनने के लिए, मतलब सबसे पहला एंट्रेंस जो किचन में होता है ना वो कॉमी 3 लेवल का होता है। कॉमी 3 जो है ना वो सारी सब्जियां काटता है और शेफ जो है ना कलचे चलाता है। तो हमारे अंदर ये है ना कि हम सिर्फ कलचे चलाते हैं तो शेफ यही करता है और सब असिस्टेंट जो है सब्जी काटते हैं। तो हमने पहले सबसे पहले हमने प्याज टमाटर और एक दो हरी मिर्च बॉइल करने के लिए रख दिए, और 15 मिनट तक इसे बॉइल करेंगे, फिर इसे ठंडा करेंगे, फिर इसे ग्राइंड करेंगे और इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो गोगल दीदी बना रही है टमाटर का प्यूरी, क्योंकि आज इनका बहुत खून निकल गया है, तो टमाटर खा के अपना खून बढ़ाएंगी। तो मिक्स वेज बनाने के लिए सारे वेजिटेबल्स कट चुके हैं और गोगल दीदी थोड़ी देर में ही बना देगी मिक्स वेज, देखते हैं कैसा बनता है और कैसा टेस्ट आता है। तो गोगल दीदी अपनी पीएचडी की डिग्री लेके किचन में आ चुकी है और थोड़ी देर में इनका मिक्स वेज बन के तैयार हो जाएगा। कढ़ाई में सारे आइटम डल चुके हैं मेरे को लग रहे हैं, और मेरे को गोगल दीदी की कुकिंग पे ज्यादा भरोसा है नहीं, तो इसलिए मैं मासी और रोजी आंटी के हाथ के बनाए हुए दाल चावल एंड भुजिया खा रहा हूँ, और बाद में देखेंगे खाना होगा कि नहीं खाना होगा गोगल दीदी के हाथ का मिक्स वेज। तो फाइनली गोगल दीदी के हाथ का मिक्स वेज बन के रेडी है, गोगल दीदी ने बहुत मेहनत की, साथ में रोजी आंटी ने भी बहुत मेहनत की, और बस फाइनल टचअप द गार्निशिंग, और जितने भी वैरायटी मैंने दिखाई थी सब डाला इसमें, पनीर से लेके A to Z। कुछ कुछ आइटम बताओ क्या क्या डाले हो? 8-10 तरह की सब्जियां, धनिया पत्ती, गार्लिक, जिंजर, अनियन, टमाटो, पनीर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, गाजर, बीन्स। मिक्स वेज का मूंदी हो ज्यादा लग रहा है, इतना सारा आइटम मिला दिए। एक्चुअली हम सब चावल प्रेमी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो ये मिक्स वेज है वो ड्राई करने के बजाय थोड़ा सा इसको लुटपुटिया बना दिया है, क्योंकि राइस के साथ खाना है और खाने में बहुत मजा आएगी। तो मैं अभी थोड़ा सा लूंगा और राइस के साथ खाऊंगा और साथ में ब्लॉग एडिट करके तुरंत अपलोड पे लगाऊंगा। तो गोगल दीदी ने जो मिक्स वेज बनाया है वो मैं चावल के साथ ऑलरेडी खा चुका हूँ, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बाजी को भी बहुत पसंद आई, और गोगल दीदी को पसंद आई कि नहीं आई वो मेरे को नहीं पता, अच्छी बनी है ऑब्वियसली, खुद बनाया। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे और फिर चुपचाप सो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, मिनी व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना, मिलते हैं कल शाम को। गुड नाइट, स्लीप टाइट। 50 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 48 पूरा हो गया।